नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार। पता सर, एक दिक्कत है जी, कांग्रेस ही तो अपनी रजाइयों से बाहर नहीं निकल पा रहे, और ये जो बीजेपी वाले हैं, ये नेता तो छोड़ दो, इनके जो ये दुमछल्ले है ना, ये भी सरकार से कोई बात करते हैं तो ऐसे उछल के पड़ते हैं, जैसे पिलूरी नहीं उछलते हैं, ऐसे उछलते हैं। और हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हमारे से लोगों को, दर्शकों को उम्मीदें बहुत हैं कि आप हमारी आवाज़ उठाओ। अब दो बात मैं बताता हूँ, अब ना उठाएं तो क्या करें। एक तो ये पत्र भेजा है मुझे NHM के जो कर्मचारी हैं जी, आपको याद होगा कि नायब सैनी जी ने कहा था कि कर्मचारियों की चूड़ी टाइट करेंगे, तो मुझे लगता है ये उसी प्रक्रिया का पहला चरण है। 17,000 NHM के कर्मचारियों को सरकार ने एक गिफ्ट दिया है, दिवाली गिफ्ट। उनको 2018 में सेवा नियमों का जो लाभ दिया गया था उनको निरस्त कर दिया है। अच्छा, और कर्मचारी इससे सदमे में हैं। ये उनके हरिकेश हैं सदस्य कार्यकारिणी के, और पुष्पेंद्र हैं डॉक्टर। इन्होंने कहा कि 2 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने NHM कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सैद्धांतिक स्वीकृति दी थी और धनतेरस पे ये घोषणा की थी, और अगला 2024 के धनतेरस पे वो नियम वापस ले लिए गए हैं। तो ये कर्मचारी 17,000 चाहते हैं कि हम इनकी मांग को उठाएं जी। और इसी तरीके से एक भाई है मनीष सैनी जी, वो मुझे बहुत दिन से लिख रहे हैं कि आप हमारी आवाज़ को उठाइए। और ये मनीष सैनी जी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी हमारी कब सुनेंगे। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग में MPSW के पदों पर पिछले 10 साल से कोई भर्ती नहीं की गई है, जबकि आधे से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। ये वो पद हैं जिन्हें कोरोना काल में सबसे आगे आकर लोगों की सेवा की थी। सभी युवाओं ने 2-3 साल कीमती समय लगाकर ये कोर्स किया, लाखों रुपये लगाए, लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। अगर MPSW की भर्ती नहीं करनी है तो कोर्स को बंद कर दो, क्योंकि गरीबों बच्चों के पैसे और सबसे ज़रूरी 2-3 साल खराब कर रहे हो। 10 साल से भर्ती ना होने से सभी युवा ओवरेज हो रहे हैं। एक सच ये भी है कि आज जो सृजित पद हैं वो 2001 की जनसंख्या के अनुसार हैं, और आज 23 साल बाद हरियाणा की जनसंख्या दोगुनी हो चुकी है। WHO के नियमों के अनुसार 5,000 जनसंख्या पर एक MPSW होना चाहिए, लेकिन हरियाणा में सिर्फ 1600 ही MPSW कार्यरत हैं। 2,976 पद सृजित हैं और जनसंख्या के हिसाब से 5500 प्लस MPSW लगने चाहिए, लेकिन 3 साल से सभी आला अधिकारियों, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर हम अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन आज तक भर्ती नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज तो सुनिए ताकि हम और हमारा परिवार भी दिवाली मना सके, कुछ तो बोलिए सर। ये उन लोगों ने एक्स पे भी उनको किया है, मुझे भी भेजा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सुनेगा कौन, किसको सुनाएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप और हमें इस बात की चिंता करनी नहीं चाहिए कि कौन क्या सोचता है या पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। हमारा काम है जनता के मुद्दों को उठाना, और अगर वो हमसे गुहार लगा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि उनकी बात हम पहुंचाएं अथॉरिटीज़ तक, तो मीडिया का काम ही है कि पहुंचानी चाहिए। बहुत राजनीति कर ली हमने, पूरा साल चुनावों में गुजरा है। अब असल राजनीति तो ये है कि आपको जनता की समस्याओं से जूझना है, और बिल्कुल सही तरीका कि बड़ी सभ्यता और शालीनता से ये लोग अपने मुख्यमंत्री के सामने कह रहे हैं चीज़ों को। दोनों बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है जिनकी सैद्धांतिक रूप से जो मंजूरी दे दी थी पिछली सरकार ने, उसको आग जारी करना इन्हीं की सरकार थी, नैतिक जिम्मेवारी, और चूंकि नायब सिंह उनके शिष्य हैं खट्टर साहब के, तो उनके वचन को इनको निभाना चाहिए। और वैसे भी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन अगर खट्टर साहब का था तो वो भी नायब सिंह का ही है, भाजपा का, भाजपा की सरकार का था तो उसको पूरा करना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरे, एक टाइमिंग देखिए कि उन्होंने धनतेरस पे घोषणा की थी, मकसद यही रहा होगा कि जो उससे जुड़े हुए परिवार हैं उनमें खुशी का संदेश जाए। और
ठीक आज ही धनतेरस के दिन हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो उनकी खुशियों पे जो तुषारापात हुआ, जो ओले पड़े हैं, उसका दर्द वही समझ सकते हैं। और जहाँ तक ये मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का सवाल है, इन्होंने बहुत जेन्युइन बात उठाई है कि 2001 की जनसंख्या के हिसाब से वो है, तो एक तो उनकी भर्ती बड़े पैमाने पर होनी चाहिए, और मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर ही एक्चुअल में रीढ़ की हड्डी है पूरे सिस्टम की, स्वास्थ्य तंत्र की। तो उस पर जो हमारी अब नई मुख्य बनी है, मंत्री बनी है आरती राव, तो बहुत डायनेमिक है, उनको सोचना चाहिए इस तरह से कि कैसे इनकी संख्या बढ़े। और एक बड़ा अच्छा निर्णय भी लिया था मुख्यमंत्री ने आते ही कि जो डायलिसिस है उसको निशुल्क व्यवस्था कराई जाएगी। लेकिन आप सोच के देखिए कि घोषणा तो होगी, और क्या इस प्रदेश में इतने नेफ्रोलॉजिस्ट या जो किडनी डिजीज़ के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट, वो हैं? तो मेरे कहने का आशय यह है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेषकर अगर कोई घोषणा सरकार करती है तो उसका पहले बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। आप जगह जगह आप मेडिकल कॉलेजेस की संख्या तो बढ़ा रहे हैं, बट ट्रेंड स्टाफ आपके पास नहीं है, नर्सेज नहीं है, PSW नहीं है, ठीक है ना, और टेक्नीशियंस नहीं है, और अगर वो हैं तो वो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। अभी पीछे डेंटल सर्जन भर्ती किए थे, रूरल एरिया में काफ़ी डेंटल सर्जन है, अब आप हैरान हो गए, उनके पास दांत का एक्सरे करने की मशीन भी नहीं है। मतलब वो देखेंगे कैसे कि दांत में प्रॉब्लम क्या? सर आपने डेंटल के सर्जन भर्ती कर दिए, सुविधाएं उनके पास जीरो हैं, तो वो ऐसे में तो वो पूरा व्यवस्था ही खाली चली गई। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आज ना तो जहाँ विशेषकर स्वास्थ्य के मामले में बहुत पॉलिसी जो आप फॉर्मुलेट कर रहे हो उस पर एक्सपर्ट्स की राय लो। दिक्कत क्या होती है कि हमारे पूरे सिस्टम में IAS भरे पड़े हैं। आजकल ऐसे भी लोग आ रहे हैं सिविल सर्विसेज में जिनकी बैकग्राउंड MBBS MD करके आ रहे हैं, तो हमें वो फिल्टर करने चाहिए कि हमारी कैडर में ऐसे लोग आ जाएं जो हेल्थ के एक्सपर्ट हों, और अगर ना हो तो जैसे मोदी जी ने कहा था लेटरल एंट्री का सवाल था, वो हेल्थ में हो सकती है कि आप जो टॉप डॉक्टर्स हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, उनको लाइए अपनी हेल्थ सर्विसेज में, क्योंकि वो ये जानते हैं कि एक डॉक्टर की ज़िंदगी में किस तरह की परेशानी है, उसकी एक्सपर्टीज़ को कैसे एडवांस किया जा सकता है। ये एक जो BA MA करके आ रहा है या इंजीनियरिंग करके आ रहा है, वो नहीं समझता हेल्थ के इशू को। तो पहला काम ये आउट ऑफ फ्रेम जाके आरती राव को ये सोचना चाहिए, और मुख्यमंत्री से भी कहना चाहिए कि अगर हमें बेस्ट क्वालिटी की सर्विसेज देनी है हेल्थ के क्षेत्र में, तो हमें बाहर से लोग लाने पड़ेंगे उसी क्षेत्र के। अब जो यहाँ आपके डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज बनेंगे, उनकी बैकग्राउंड ही नहीं हेल्थ की, वो समझते नहीं चीज़ों को, वो उसी तरह से हाँकते हैं डॉक्टर्स को भी जैसे और कर्मचारी होते हैं। तो एक बहुत निर्णायक निर्णय कहीं हरियाणा सरकार को लेना चाहिए कि लेटर एंट्री के जरिए या किसी भी तरीके से हमारी हेल्थ सर्विसेज में, और ये HCMS की बहुत पुरानी डिमांड रही है कि भाई हमारा जो डायरेक्टर है वो डॉक्टर होना चाहिए, तो उसको अब सही समय है करने का। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि आप NCR में हैं, तीन तरफ से दिल्ली को घेरते हैं, और आपके जो टॉप हॉस्पिटल्स हैं, मेदांता है, स्कॉट्स है, जितने भी हैं गुड़गांव में, नेताओं का इलाज भी यहीं होता है, सरकारी हॉस्पिटल में तो होता भी नहीं। एक जो होता ना हेल्थ टूरिज्म वाली बात है, उसको भी प्रमोट करना चाहिए। तो ठीक है वो बहुत महंगे अस्पताल हैं, अब एक आइडिया ये हो सकता है कि जो हमारे आप देखेंगे यूरोप में और अमेरिका में दांतों का इलाज बहुत ही महंगा है, तो क्या हरियाणा सरकार कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स बना सकती है जहाँ पे हम NRIs का या जो हमारे बच्चे विदेशों में आते हैं उनका ट्रीटमेंट करें? बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट की तर्ज पर ना लें, उनसे पैसा कम लें, तो उससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा इस चीज़ का। तो आज समय की दरकार ये है कि सरकार को, इसमें आलोचना तो हम कर ही नहीं रहे, सुझाव भी दे रहे हैं, और हमारे दर्शक भी बहुत विद्वान लोग हैं, वो भी अपने सुझाव देंगे क्या हो सकता है। तो हेल्थ को और एजुकेशन को कैसे हम ऐसा बना दें जो भविष्योन्मुखी हो, और आगे 20, 25, 30 साल में जो हमारी ज़रूरतें होंगी शिक्षा स्वास्थ्य की, उनको पूरा करने में भूमिका अदा कर पाएँ। अच्छा, ये तो दो कर्मचारी संगठनों की मांग थी जो उन्होंने बताई। एक आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी दिन से एक EVM को लेके कांग्रेस पार्टी उठा रही थी कि बैटरी थी, फलाना था, दिखड़ा था, और वो मामला कोर्ट वोट में भी किसी ने डाला तो कोर्ट ने भी उनको डांट लगाई। अब चुनाव आयोग ने भी डांट लगाई और 1600 पेज की एक रिपोर्ट कांग्रेस को भेज दिया है, और साथ में नसीहत भी दी है कि ये उल्टे सीधे काम करना बंद कर दो। तो
मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी भी इस पे काफ़ी खुश हुए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दे दी है, तो कांग्रेस को अब तो सेटिस्फाई हो ही जाना चाहिए। हाँ, चाहे मजबूरी में हो लेकिन संतुष्ट हो जाना चाहिए। अब होगा तो कुछ नहीं, इलेक्शन कमीशन ने वो शिकायतें सारी खारिज कर ही दी हैं और इतनी भारी भरकम रिपोर्ट दी है। अब 1600 पेज तो कोई शायद ही पड़ेगा कांग्रेस के अंदर। उन्होंने लगता सारा वो जो चुनाव के दिशा निर्देश है ना वो उठा के एक फाइल में थे, तो बाकी मुख्यमंत्री को खुश होना चाहिए। एक आदमी ने किताब लिखी 1800 पेज की, तो वो बोले ऐसा क्या ग्रंथ लिख दिया, तो पहले पेज पे लिखा हुआ घोड़ा दौड़ता है, बाकी सारे पेज पे तुगड़ 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 लिखा हुआ है। वो हरियाणवी में कहते ना, सूत का सूत का गेम है। जब ये ईवीएम शुरू हुई थी तो सबसे पहला विरोध माननीय लाल कृष्ण अडवाणी ने किया था। अच्छा। हाँ, कि ये नहीं होना चाहिए, इसको बंद करो। और एक इनके लीडर हैं, बहुत बड़े एकेडमिक हैं, जीएल नरसिम्हन नाम है शायद उनका, उन्होंने पूरी एक किताब लिखी ईवीएम पे। अच्छा। हाँ, तो ये विरोध भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था। पर अब तो ईवीएम उनके लिए कुबेर का खजाना है। हाँ। अब तो जहाँ जहाँ ईवीएम है वहाँ वहाँ, तो अब चूंकि उनके अनुरूप चीज़ें हैं, पता नहीं आरोप प्रत्यारोप भगवान जाने सच क्या है, लेकिन अब उन्होंने विरोध करना छोड़ दिया है। तो इस समय अब देश के हमारे साथ दिक्कत यह है कि कोई अडवाणी जी से बात नहीं करता, जन्मदिन के अलावा वो कभी नज़र नहीं आते, कोई उनसे जाके कोई राष्ट्रीय स्तर का पत्रकार ये पूछ ले कि आपने तब विरोध क्यों किया था और अब आप क्या सोचते हैं। और उन नरसिम्हन से भी, जी नरसिम्हन से भी बातचीत करनी चाहिए कि भाई आपने पूरी किताब ही लिख दी थी, किसकी डीमेरिट्स क्या है और ये हैक हो सकती है और तमाम चीज़ें, तो अब आपका क्या कहना है। और कांग्रेस वालों के जब परिणाम आएगा उसके बाद कुछ नहीं होता, वो तो सांप चला गया, लाठी पीटने वाली बात है। अब उनका भविष्य यही है कि 5 साल बाद ही कुछ नज़र आएगा, और वो भी अगर वो हमारे मंत्री हैं पवार साहब हरियाणा में, उन्होंने तो बिल्कुल इंश्योर कर दिया है कि मेरी समझ ये कह रही है कि 4थी और 5वीं योजना भी भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 29, 34 या शायद आगे भी, तो कांग्रेसियों को अब अपना सब्र कर लेना चाहिए, या अगर उनको लग रहा है अभी भी तो कोर्ट और ये कोई अंतिम सहारा नहीं है, अगर वो इस पर कोई जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं इस मुद्दे पे कि ईवीएम से चुनाव बंद कराए जाए। कांग्रेस से क्या आधार ये है कि बड़े से बड़े विकसित देशों में जो टेक्नोलॉजी के महारत देश हैं उनमें ईवीएम से चुनाव नहीं होता। तो अब अगर कांग्रेस नहीं उठाएगी और जनता को कभी लगेगा, उसकी समझ में आ जाएगा कि वास्तव में कहीं गड़बड़ हो रही है, तो फिर वो उठेगी। अब ये 150 करोड़ का मुल्क होने जा रहा है, ये ऐसे चुपचाप तो बैठेगा नहीं शांति से, तो कभी ना कभी तो इन चीज़ों का इलाज तो निकलेगा। अब नेता निकाल लें, विपक्ष निकाल लें, और देखिए मैं तो बधाई दूंगा कि तब विपक्ष में थे तो अडवाणी जी ने विरोध किया, लेकिन आज के विपक्ष की बात सुनी कहीं नहीं जाती। और जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं मिस्टर राजीव कुमार, वो चुनाव आयोग से संबंधित काम कम करते हैं, शायरी ज़्यादा करते हैं। हाँ, उससे और बात शायरी से शुरू। वैसे एक बात है, चुनाव आयोग की जो भूमिका है उसकी जो पूरा संदिग्ध है वो, मतलब राजीव कुमार जी उसको काफ़ी हद तक क्रेडिट जाता है। हाँ। कि चुनाव आयोग पहले एक सम्मानजनक वो सिस्टम व्यवस्था थी, लेकिन अब राजीव गांधी ने पूरे राजीव सिंह ने पूरे सिस्टम को ही संदिग्ध बना दिया है। देखिए हमारे यहाँ ML शकधर हुए, बहुत मुख्य चुनाव आयुक्त, बड़े नामचीन थे, और उसके बाद में जो आम लोगों में लोकप्रिय है वो TN सेशन हुए। और TN सेशन से एक पत्रकार ने ये पूछा कि आपने ये कैसे चुनाव करा दिए इतने बढ़िया, तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त की ड्यूटी में सिर्फ ये लिखा है कि निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव मतदान कराना, कैसे कराना है ये मैंने देखना है। मेरी ड्यूटी ये है, मुझे इंश्योर करना है कि चुनाव निष्पक्ष हुआ और लोग डरे नहीं है ये करते हुए। तो उन्होंने सारी व्यवस्थाएँ करी, जो डिप्राइव्ड लोग थे, कमज़ोर लोग थे, उनके क्षेत्र में उन्होंने बूथ बनवाने शुरू करे, और कितने डायनेमिक चेंजेस आए, गाड़ियां जब्त होती थीं और सारी संख्या निर्धारित कर दी, तो पूरा जो चुनाव आयोग का एक पूरा ढर्रा था उसको आमूल चूल परिवर्तन कर दिया उन्होंने, और उसका नतीजा ये हुआ कि आम लोग भी TN सेशन को श्रद्धा की नज़र से देखते, आज भी उनका नाम है, आज भी चुनाव सुधारों की बात होती है। अब राजीव कुमार जी को, अब चूँकि हमारे देश में ये बात चल पड़ी है, शुरुआत तो मनमोहन सिंह ने करी थी कि इतिहास मुझे कैसे याद करेगा, अब चंद्रचूड जी को बड़ी चिंता हुई है कि इतिहास मुझे कैसे याद करेगा, अंदर कुछ है जो बेचैन कर रहा है। और ऐसी राजीव कुमार भी कभी ना कभी शायरी के माध्यम से कह देंगे पता नहीं इतिहास मुझे कैसे याद करेगा।
तो इन पात्रों के साथ इतिहास कैसा व्यवहार करेगा तो भविष्य बताएगा, लेकिन जरूरी है कि अगर ये थोड़े भी संदेह है इनको कि इतिहास हमारे साथ न्याय नहीं करेगा, तो अपनी आदतें सुधार लें, या चूँकि अब तो रिटायरमेंट के उसमें, और देश से माफ़ी मांग लें कि हमसे ये अपराध हुए हैं। नहीं, वो एक वो कैग होते थे विनोद राय, आपको याद होगा, कहाँ हैं आजकल? हाँ, तो सॉरी कह के चले, अभी वो अन्ना जी फंस गए उनके पत्रकार के रंजन के, उन्होंने उनके बिल्कुल वो रैली बना दी। हैं तो चलो, ये तो पॉलिटिकल लोग हैं और ये षड्यंत्र इस तरह के चलते रहते हैं। नई नई चीज़ें हो रही हैं, नया मुल्क है। अभी अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर शाह जो हैं हमारे यहाँ लोगों को मरवा रहे हैं, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये भी पहली बार हो रहा है कि किसी देश का विदेश मंत्री नाम लेके ये कह रहा है कि इसको इस पर FIR दर्ज हो, केस दर्ज होना चाहिए। पर ये तो भारत की बढ़ती हुई ताकत का वो है सर। हाँ, नहीं बिल्कुल ताकत है, ताकत की तो बात है कि आप हरियाणा में एक बहुत बड़ी पीढ़ी ऐसी तैयार हो गई है, अगर आप उनको सीधा उल्टा लेटा के उनके दो जूत मारोगे और कहोगे कि ये देश के लिए है, तो वो कहेंगे हाँ जी दो और मार दो जी, चाहे उनका कोई कसूर ना हो। देखिए, इन पीढ़ी को और इन लोगों को काल्पनिक डर में लोग जी रहे हैं, कोई नहीं समझा सकता, किसी का कोई असर नहीं होगा इन पे, इनको हालात ही सिखाएंगे और हमें तब तक इंतजार करना होगा। हमारे सामने बस यही है कि जो जनता है हमारे प्रदेश की, या कर्मचारी हैं या और भी तबके हैं, उनकी परेशानियों को हम प्रमुखता से यहाँ उठाएं, और अगर कोई सरकार में बैठा कोई आदमी जिसमें थोड़ी भी ताकत वाकत है वो हमें कहीं सुन लेता है गलती से, तो बहुत अच्छे लोग भी हैं शायद इनको पता नहीं है, मतलब जो मैं क्या करूँ, दया के पात्र ही हैं कुछ लोग तो, लेकिन इनको शायद पता नहीं है कि सरकार में बैठे हुए लोग न केवल हमारी बातों पे एक्शन लेते हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ों में बदलाव भी होता है। सरकार दुश्मन नहीं है हमारी, तो हम आइडिया दे रहे हैं और हम तो आपसे भी गुहार कर रहे हैं कि आप लोग सब समझदार लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, अगर आपके पास में प्रदेश के हित में कोई ऐसे इस तरह के योजनाएं हैं तो आप हम तक भेजो और हम आगे सरकाएंगे उसको सरकार तक, करना ना करना। कहानी सुनाऊंगा, कल हमारे एक दर्शक ने ही भेजी है कमेंट में, तो वो मैं सुनाए बिना नहीं रह पा रहा हूँ, अलग ही कहानी का दिन संडे होता है, लेकिन वो मैं आज ही सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए तब जो गरीब लोगों को राशन देने की जो संख्या थी, और अब जो 10 साल बाद जो संख्या है, और जब 5 साल कंप्लीट हो जाए, तो इसमें लगातार करोड़ों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। तो ये जो मुफ्त राशन वाली जो आबादी है, ये जो जनसंख्या है और जो राष्ट्रवाद के साथ गहरे से जुड़ गई है, इस जनता के होते हुए क्या किसी प्रकार के सुधारों की ज़रूरत महसूस की जानी चाहिए भारत में, या फिर राष्ट्र के नाम पे सब ऐसे ही चलता रहता है? देखिए, मोदी जी का एकमात्र यही कदम ऐसा है जिसे भक्त लोग पसंद नहीं करते, आप ध्यान से बात करना उनसे कभी। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटनी चाहिए, और वो उनकी मैंने तो बहुत लोगों से बात हुई कि निकम्मे लोग तैयार कर रहे हो आप, ये देश के लिए घातक है, लेकिन वो करते हैं। अब मोदी जी भी क्या करें, सारी सरकारें करती रही हैं, पहले सब्सिडी का राशन मिलता था, जो भी भक्त मिलेगा आपको वो मोदी जी का भक्त तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो एक खास तरह की विचारधारा का भी भक्त है। वो विचारधारा ऐसी है जो गरीब आदमी को, वंचित आदमी को, किसान को, कमेरे को, मजदूर को, जितने भी छोटे लोग हैं उन सबसे नफरत करती है, और वो ये मान के चलते हैं ये देश पे बोझ हैं। वही ये नारा लगाते हैं कि जनसंख्या बहुत कम की जाए। अब एक बार तो उनका जो राष्ट्रवाद है उनको प्रेरित करता है हिंदू राष्ट्र की 10-10 बच्चे पैदा कीजिए, और जब वो देखते हैं कि जो इतना हुजूम खड़ा हुआ अभी इसका पेट नहीं भर रही है समस्याएं, तो फिर वो ये भी वकालत करते हैं कि कुछ लोगों का राइट ही छीन लो बच्चे पैदा करने का। तो हाँ, कंफ्यूजन है जी, ये दुविधा से गुजर रहे हैं लोग। ये जो इनके पैराडॉक्स हैं, विरोधाभास हैं, यही इनके हालत खराब करेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में ही सारी चीज़ आएंगी। एक विचार इधर से आया, एक विचार उधर से आया, एक भक्ति काल का विचार है, एक प्रधानमंत्री का विचार है, फिर इनकी अपनी समझ तो है ही, मूर्ख तो भगवान बनाता नहीं है पूरी तरह किसी को, तो वो जो हलचल होगी उसी में से कुछ निकलेगा। बाकी ये इनकी संख्या तो लगातार बढ़नी है, और इसमें लगातार ये भी बढ़ रहे हैं कि देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, सारे मानकों पर हालत ये है, हंगर इंडेक्स में हम कहाँ जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखने लायक हैं। ये हालात तो खराब होंगे, अभी तो शुरुआत भर हुई है,
शेयर मार्केट को जैसे तैसे प्रबंधित किया जा रहा है कि ये रोजी पिक्चर लोगों के सामने आती रहे। आप ये देखेंगे कि जो हमारा लोअर मिडिल क्लास है, जो बीपीएल से ऊपर का है और मिडिल क्लास भी है, उसके पसीने छूट गए। इस बार दिवाली पर जो गाड़ियों की बिक्री होनी चाहिए थी उसमें भारी गिरावट आ रही है। गाड़ी रखना इतना मुश्किल हो जाएगा। अब सरकार ने एक प्रावधान कर दिया कि 15 साल की गाड़ी होगी तब हटा दो। तो जिस आदमी ने 8-10 लाख की गाड़ी खरीदी थी वो उसकी औकात नहीं थी आमतौर पे, उसने जैसे तैसे करके वो ले ली और वो चाह रहा था कि अब 40-50 साल इससे अपना काम चल जाएगा। लेकिन अब उसको आदेश आ गया कि जो चालान है वो 10-10, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार के हैं। तो ये जो वर्ग है ना, जो अभी नशे में था, उन्मत्त था, इसे सरकार ही मजबूर कर देगी कि सोचो, क्योंकि सरकारें चलती हैं साधनों से, पैसों से। ये नायब सिंह ये कर रहे हैं, अब इन्होंने देख लिया कि ये भर्ती कर दी है 25,000, इससे जो बर्डन पड़ेगा फाइनेंशियल उसको क्या करूं, तो वहाँ से काटो, इसको हटाओ, उसको हटाओ, इसका ये बंद कर दो, इसका बोनस मत दो, ये मत करो, पैसे से ही चलेगा ना सारा, वो है नहीं, कर्जा ऑलरेडी बहुत है। तो अब यही सरकार की और सरकार में बैठे लोगों की बुद्धिमत्ता पे यहीं से फैसला होना है क्या करना क्या नहीं करना। अब करें मुख्यमंत्री जी, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। कहानी में नाम उनका भूल रहा हूँ, दर्शक का बता दूंगा मैं नाम क्या था। उन्होंने कल एक कहानी कमेंट में लिखी, बड़ी जबरदस्त कहानी है। अरे शेर बूढ़ा हो गया, शिकार करने में बिल्कुल सक्षम नहीं था, तो उसने सोचा कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी नहीं तो भूखा मरेंगे। तो एक दिन एक गिद्दड़ जा रहा था, तो गिद्दड़ को कहा, अरे भाई, अरे सिंह राम नाम रख रखा उसका, अरे भाई कहाँ जा रहा है? तो बोला बस राज साहब ही कोई छोटा मोटा शिकार मिल जाएगा। बोला कुछ मेरा भी ख्याल कर लिया कर। बोला जी बताओ, आदेश करो। बोला यार कुछ ला, कई दिन हो गए भूखा मर रहा हूँ, शिकार पे जा नहीं पा रहा हूँ। बोला जी लाऊंगा। तो उसको एक गधा मिला, तो गधे का नाम नंदराम। उन्होंने कहा, अरे नंदराम भाई, राम राम, कैसे हो? बोला जी बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। बोला यार एक अपॉर्चुनिटी है तेरे लिए। जी बोला क्या है भाई गिद्दड़ भाई बता। बोला जंगल का राजा हो गया बूढ़ा, और उसने सोचा कि मैं अपने मरने से पहले किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर जाऊं। उसने जो सारी तरह से पता करवाया तो पता चला कि जो नंदराम गधा है वो सब तरह से योग्य है, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं ताकि आपको से चर्चा करके आपको राजा घोषित करा दें। तो गधा बेचारा खुश हो गया, गधा गिदड़ आगे आगे, गधा पीछे पीछे। तो गधे की शेर की गुफा में घुसते ही गिदड़ ने कहा, राजा साहब आपका उत्तराधिकारी आ गया है। तो शेर बड़ा खुश हुआ, उन गधे को नंदराम को अपने पास बुलाया और एक पंजा मारा उसके। तो पंजा पूंछ पे लगा, पूंछ टूट के गिर गई। तो गिदड़ में इतना गधे में इतना दिमाग तो था ही कि क्या हो रहा है, तो वो भाग गया जी दुलत्ती मार के, वो बहुत दूर निकल गया। लेकिन पूंछ राजा के शेर के हाथ में आ गई। बोला यार ये तो हाथ आया हुआ शिकार चला गया। बोला जी कोई बात नहीं, मैं मना के लाता हूँ। वो फिर गया, बोला यार तू भाग क्यों आया? बोला यार वो मुझे खा जाता, मेरा पूंछ फाड़ लिया उन्हें। अरे बोला भाई तू कभी राजा की नेक नीति को नहीं समझ सकता। राजा ने सोचा जब तू सिंहासन पे बैठेगा तो तेरा ये जो गंदा सा पूंछ है ये गंदा लगता, इसलिए उसने इसको उखाड़ा है, तो वापिस चल। गधा फिर वापिस आ गया जी। तो इस बार शेर ने पंजा मारा उसके सिर पे, तो वो जो कान है वो शेर के हाथ में आ गए। फिर वो आ गया गधा, फिर वो गिदड़ उसके पीछे गया। वो गिदड़ पे बड़ा नाराज हुआ, यार मरवा दे तू तो मेरे को बिल्कुल ख़त्म करवाना चाहता है। बोले नहीं भाई, वो मुकुट तेरे सिर पे रखा जाएगा, तेरे कान बड़े हैं तो मुकुट नहीं आता, बाधा होगी तो मुकुट के लिए तेरे कान उखाड़े हैं, राजा को तू गलत मत सोच। वो नंदराम फिर वापिस आके जी बुढ़ा बुढ़ के ले आया उसने गधा। तो इस बार राजा ने उसको उसके सिर पे पंजा मारा और वो खत्म। तो राजा इस प्रक्रिया में थोड़ा लहूलुहान हो गया था, उन्हें सोचा थोड़ा तसल्ली से भोजन करूंगा बहुत दिनों बाद, तो मुंह हाथ धोने के चला गया। इतने में गिदड़ उसका सिर मगज निकाल के खा गया।
तो मगज को जानवर बड़ा पसंद करते हैं कि जी उसका मांस थोड़ा ज़्यादा कहते हैं पौष्टिक होता है। तो राजा जब आया तो गिदड़ तब तक उसका मगज निपटा चुका था, तो उसने देखा यार इसके तो मगज है ही नहीं। तो बोले अरे गिदड़ इसमें मगज तो है ही नहीं। बोले राजा साहब अगर मगज होता तो ये आपके पास कैसे आता। ये हमारे दर्शक साथी हैं, उन्होंने देखो ये कहानी जिन्होंने भेजी उनके बहुत बहुत आभार, लेकिन ज़बरदस्त है ये। और राजनीतिक व्यवस्था पे इससे बढ़िया तंज कुछ हो नहीं सकता। इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, सबकी समझ में आ गई है ना। और शेर भी तीसरी बार में कामयाब हो गया था अपने काम में। और गिद्दड़ जो ना ये फैले पड़े चारों तरफ हमारी ब्यूरोक्रेसी में, जो दलाल है वो गिद्दड़ ही है एक्चुअल में। ये राजकुमार जी हैं, इन्होंने सुनाया थी। तो बहुत राजकुमार जी कमाल कर दिया आपने, और भेजते रहिए ऐसी कहानियाँ। और मुझे तो कई बार तो कुछ लोग भी नंदराम जैसे ही दिखाई देते हैं, जिनको समझ में नहीं आता तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। देखिए ये प्रतीक है हमारे दर्शकों की समझ में आ गए। हम ज़्यादा व्याख्या करेंगे तो फिर आप पे फिर हमला होगा। तो वो डिस्क्लेमर आता ना कि इस कथा के तमाम पात्र काल्पनिक हैं। नहीं, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कुछ लोगों को कि हमें एक कोई ऐसा रखना चाहिए क्राइटेरिया कि कौन लोग इस चैनल को देख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि कई लोगों के समझ उतनी विकसित नहीं होती, थोड़े मतलब बेचारे। नहीं नहीं, देखते रहेंगे सब, देखें। हमारा तो सबसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है, आप सब लोग देखें और आपस में मित्रता भी रखिए एक दूसरे। अगर कोई फ़ोन करके पूछे कि ये बात समझ में नहीं आ रही तो समझा दीजिए। तो ये जो कथा थी ना, पात्र कथा कोई भी, उसके पात्र कभी काल्पनिक नहीं होते। ये भी एक बचने का तरीका है। हैं सब हमारी ज़िंदगी में इर्द गिर्द ही हैं। तो इसमें एक राजा है, एक दलाल है जो ढूंढ ढांड के लाता है, और जो गधा है हमारी सम्मानित लोग हो सकते हैं उसमें। दोस्तों बातें चलती रहेंगी और विचार विमर्श की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, और उन तमाम लोगों का भी दिल से आभार प्रकट करते हैं जो तमाम कटुताओं के बावजूद भी हमारे से स्नेह रखते हैं। क्योंकि धर्मेंद्र जी एक बात बताऊं मैं आपको, मैं कल इमरान खान की कोई रील मेरे सामने आ गई जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की। मैं तो बड़ा प्रभावित हुआ उनसे कि मैं अपने मुल्क में बारे में कुछ लोगों से पूछता हूँ कि भाई ये क्या हो रहा है। बोले हम तो गैर सियासी हैं, ए पॉलिटिकल, हमारा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो इमरान खान ने कहा कि गैर सियासी तो केवल जानवर हो सकता है, पशु हो सकता है, मनुष्य को तो सियासी होना ही चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी को कंट्रोल ही सियासत या पॉलिटिक्स। अच्छा, आप पक्ष में रहो या विपक्ष में, कहीं भी रहो वो आपकी मर्जी है। तो उन्होंने जो ये कहा ना कि गैर सियासी तो एनिमल होता है, पशु होता है, जानवर होता है, कितनी बढ़िया बात कही है। तो राजनीति में केवल चुनावी राजनीति नहीं, राजनीति हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही है। राजनीति में आप इंटरेस्ट लीजिए, और इसीलिए गुरुकुल पॉलिटिक्स है। पक्ष और विपक्ष दोनों का यहाँ स्वागत है, और थोड़ा सा हंसी मजाक चलता रहना चाहिए, क्योंकि सीरियसनेस एक बीमारी है। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहना चाहिए सर 24 घंटे ना, थोड़ा सा मतलब हंसी मजाक चलते रहना चाहिए। बिल्कुल, 4.5 साल 4.5 साल सीरियस नहीं रहना चाहिए, लेकिन आखिर में 2-3 महीनों में सीरियस हो जाना चाहिए। और अब ऐसे करो तो दीपावली की बहुत शुभकामनाएं दोस्तों आपको, और कल अगर समय मिल पाया तो हम दिवाली पे अपने गैर सियासी बातें करेंगे। बिल्कुल, और आप गुरुकुल पॉलिटिक्स को जिन लोगों ने पहली बार देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो पुराने साथी हैं वो गठबंधन हमारा बनाए रखें, क्योंकि आप वो लोग हैं जिन लोगों ने हमेशा हिम्मत और ताकत दी है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों हमें जनता की बात करनी है, हमें जनता के बहुमत की बात करनी है, हमें जनता के दिल की बात करनी है। और अब तो ले देखे एक यही विकल्प बच गया है, जहाँ आप अगर सरकार से कुछ बात कहना चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से वो बात कहलवा सकते हैं। इसलिए ठीक ठाक मंचों का बने रहना बहुत ज़रूरी होता है, संवाद की प्रक्रिया का भी बने रहना बहुत ज़रूरी होता है। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।